भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका दे विच हो रही एशिया कप ते कब्जा कर लिया है। ते दिनी होए मैच दे विच भारतीय गेंदबाजा ने श्रीलंकाई टीम नू 50 स्कोर दे ढेर कर दिता। भारतीय टीम ने 8वीं बार एशिया कप ते कब्जा किया है। रोहित शर्मा की कप्तानी दे विच एशिया कप दे विच ही लगातार दूजी जित है। भारतीय टीम की जित तो बाद जलंधर दे विच लोगों ने तिरंगा लहराया और भारतीय टीम नू इस इतिहासक जित ते वधाई दित्ती है ते भारतीय टीम की तारीफ की। ये आज देश के लिए गौरवशाली पल है। जिस तरह आज देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, उसी दिन ही आज भारत एशिया कप जीता और ऐतिहासिक जीत तय करता है, जो कभी नहीं हुआ। जैसे देश के प्रधानमंत्री पिछले 9 साल में निरंतर दिन रात देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश और दुनिया में जो काम स्वप्न लगते थे, जो लगता था कि भारत कभी कर नहीं सकता, भारत आज लोग कहते हैं भारत किसी से कम नहीं। और पूरी दुनिया जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश को देख रही है, उसी तरह आज हमारी टीम ने यह दर्शाया है कि हम किसी से कम नहीं। इंडिया सबसे बेस्ट, भारत हमारा जो है वो दिन प्रतिदिन खेल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, देश की आर्थिक व्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में भी हमारा देश बढ़ रहा है। और आज के इस ऐतिहासिक दिन पर जहां मैं देश के प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिवस पर बधाई देता हूँ और भारतीय टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतिहास बनाया है। ये इतिहास जो है जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। भारत एशिया कप जीता है, इसके लिए सभी जो है खेल प्रेमियों को बधाई, सभी देशवासियों को बधाई, हमारे बच्चे बच्चे को देश विदेश में बैठे भारतीयों को बधाई। आज बड़ा खुशी का माहौल है कि आज भारत ने ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज की है। 51 स्कोर के ऊपर ही श्रीलंका को ऑल आउट किया है और मेरे को लगता है कि आज सोने पे सुहागा। एक तो देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है और दूसरी तरफ भारत ने आज जो जीत जो है प्राप्त की है। भारतवासियों के दिलों में आज भारत माता की जय की जय के नारे लग रहे हैं।